कांकेर जिला नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तुलार गुफा और मंगारी के मध्य पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी नारायणपुर के हेड कांस्टेबल सालिक राम मरकाम शहीद हो गए। शहीद जवान ग्राम चवेला भानु प्रतापपुर के निवासी हैं। ये खबर मिलते ही अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। न केवल शहीद के घर अपितु पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। शहीद जवान के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि उनकी कितनी बड़ी क्षति हुई है। आज सुबह लगभग 10 बजे शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान विधायक मनोज मंडावी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से जिले के सभी आला अधिकारी भी, जिसमें जिला कलेक्टर व एसपी भी शामिल हैं, इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरेंद्र कुमार साहू, भारत टीवी। आज बहुत दुखद घड़ी है, सालिक राम मरकाम जी हमारे बीच नहीं है। ये कहा जा सकता है, या ये जो कायराना हरकत है नक्सलियों का, जिसके कारण आज हमारे बीच सालिक राम मरकाम जी नहीं रहे। मैं इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और कहीं न कहीं कह सकता हूँ हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि एक जवान अपने देश की सेवा करते करते उस माटी के लिए हमारे लिए शहीद हुआ है। उसे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। शहीद सालिक राम जी की चवेला ग्राम के रहने वाले थे, नारायणपुर में सदस्य, डीआरजी के एक सदस्य थे, और कल सुबह सुबह नक्सलियों के साथ लोहा लेते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पूरा हमारा जो जिला पुलिस है कांकेर का, साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, उनको उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हम लोग यही प्रण ले सकते हैं कि इनकी जो शहादत है उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और दुगने उत्साह के साथ नक्सलियों से लोहा लेंगे, उनसे लड़ाई लड़ेंगे, ताकि सालिक राम जी एवं उनके पहले भी जो अन्य साथीगण हमने खोए हैं उनके मौत का बदला ले सकें। सर, ये आमागढ़ की थोड़े साइड में एक जो है बीएसएफ कैंप लगाने की प्रस्तावित ऐसे सूचना मिली है, ये कब तक आएगी, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में जो है नक्सली घटनाएं घटती जा रही है। देखिए, कैंप वगैरह जो होता है ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, इसके बारे में पहले से बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब हम संसाधन जुटा लेंगे और जब ऐसा लगेगा कि अभी माहौल ठीक है कैंप लगाने लगे, क्योंकि हर सीज़न में कैंप लगाना संभव नहीं होता है, कई बार बारिश का मौसम रहता है उस समय कैंप लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जब जब लगाना होगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी।